ना करो बहस, हार जाओगी। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। जीवाकार, काहिल, नकम्मे, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों का खुद एहतसाबी की बजाय नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, नसीब, मुकद्दर और किस्मत को ठहराना रीत इस नगर की है और जाने कब से है। उस तरफ से आकर किस्मत किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अलापने वाले हाथ की लकीरों, सितारों की चाल और तोते की फाल पर सर फेंकने वाले यहाँ दलाइल पेश करने के बजाय हमें किस्से और कहानियां सुनाएंगे, हिंदुस्तानी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चलाएंगे और ऐवान में बैठे बशऊर लोगों को मामू बनाएंगे। लेकिन मैं इनकी कोई फिल्म चलने नहीं दूंगी और दलाइल से ये साबित करूंगी कि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। सदरियाली वकार, कामयाबी इज्तमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उखरवी, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म के आजाद की पैबंदकारी करने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान लाखों मन लोहे को हवाओं में उड़ाने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को जब ये पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत, मुकद्दर या तकदीर नहीं, बल्कि तहरीके पाकिस्तान में शामिल लोगों की मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अबस है शिकवाए तकदीर यजदा तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं। सदर अली वकार, उस तरफ से आकर एड़ियां उठा उठा कर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाशे दिस्त में निकलने के बजाय किसी मनोसलवा के उतरने के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। प्यास बुझाने के लिए कुएं तक चलकर जाने के बजाय मुकद्दर से कुएं को खींच कर पास लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। जालिम के आगे सर उठाने के बजाय जुल्म का निशाना बने हाथ के हाथ धरे मुंतजरे फर्दा रहने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। पलटने झपटने और झपट कर पलटते हुए लहू को गर्माने के बजाय किस्मत के मारे करगत बनकर बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। सदर अली वक्कार, अगर आज हमने कामयाबी का सेहरा मेहनत के सर से उतार कर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया तो याद रखें कि तूफान में मौजों से मुकाबला करके कश्ती को साहिल पर उतारने वाले मल्लाह कश्ती को किस्मत की लहरों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से चप्पू तोड़ देंगे। मंजिल की तरफ गामजन मुतहरिक काफले अपने सफर किस्मत के कदमों में डालकर जमूत की चादर ओढ़ लेंगे। ये तुलबा और तालिबात हाथ की लकीरों में गुम होकर किताबें पढ़ना छोड़ देंगे। जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, काम काम और बस काम के फलसफे को छोड़कर फुटपाथ पर बैठे आमिल बाबा नजूमी और बंगाली जादूगरों से नाता जोड़ लेंगे और आज के इस मुबाहिसे के मुनसफीन मुकर्ररीन की तैयारी दलाइल और मेहनत को देखकर नंबर लगाने के बजाय आखिर में अव्वल दोम और सोम आने वालों के लिए किस्मत पुड़ी खोल देंगे। सच है जो बात सरेदार सुनाई जाए, एक नहीं हाँ कई बार सुनाई जाए, ये जो किस्मत है मुकद्दर है नहीं मानती मैं, वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। सदर अली वक्कार, अगर मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई किस्मत किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अलापते हुए मुकद्दर के कच्चे घड़े पर बैठकर दरिया पार अपने महिवाल से मिलने की तलब रखे तो उसके लिए इतना ही कहते हुए इजाजत चाहूंगी कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। शुक्रिया।